देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। हमारे सभी सुख दुख के साथ ही, संघर्षों के साथ ही, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया, उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं, हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं उनके पास बस का किराया नहीं होता, एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है उसके पास बस का किराया नहीं होता, उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो, आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है।